हम सब कभी ना कभी बीमार हुए हैं या फिर इंजर्ड हुए हैं, और फिर इससे क्योर होने के लिए हम कोई ना कोई मेडिसिन या टैबलेट्स लेते हैं। जिनको एसिडिटी, डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, वो तो डेली अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है कि इन टैबलेट्स में आखिर होता क्या है और ये अपने शरीर में जाके काम कैसे करते हैं? कैसे पेन किलर खाने के बाद घुटने का दर्द कम होता है? पेन किलर वाली टैबलेट को कैसे पता चल जाता है कि पूरे शरीर में घुटने में ही दर्द हो रहा है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज के इस वीडियो में करते हैं। मेडिसिन या फिर टैबलेट्स में एक्चुअली होता क्या है? कोई भी दवाई में मेनली दो चीजें होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब मेन केमिकल्स जो शरीर में जाने के बाद प्रॉब्लम को ढूंढ के खत्म कर देते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या तो पेड़ के एक्सट्रैक्ट से बनाए जाते हैं, या फिर एनिमल के बॉडी से निकाले जाते हैं, या फिर लैब में केमिकल रिएक्शन करके बनाए जाते हैं। टैबलेट्स का दूसरा मेन कंटेंट दैट इज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें मेडिकल भाषा में एक्सिपिएंट्स कहते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने में मदद करते हैं। दवाई में फ्लेवर या फिर टेस्ट लाने के लिए, या फिर दवाई की एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, टैबलेट्स को विजुअली अट्रैक्टिव करने के लिए, या फिर टैबलेट को बाहर से स्मूथ बनाने के लिए यूज होते हैं, सो दैट स्वैलो करने के लिए इजी हो जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दीज इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स आल्सो हेल्प योर बॉडी टू अब्सॉर्ब एंड ब्रेक डाउन द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सो दे कैन वर्क प्रॉपरली। जब कभी हमें पैर को इंजरी होती है या फिर ब्लीडिंग होती है, तब हम मुंह से टैबलेट खाते हैं, तो वो दवाई पैर तक कैसे पहुंचती है? उस टैबलेट को कैसे पता होता है कि पैर में इंजरी हुई है? तो एक्चुअली टैबलेट को या दवाई को कुछ भी पता नहीं होता है कि कहाँ पे जाना है। मेडिसिंस हैव नो आइडिया वेयर टू गो व्हेन यू टेक देम। लकीली हमारे शरीर में ही एक स्मार्ट सिस्टम है जो दवाई को एग्जैक्टली जहाँ पे जरूरत है वहीं पे पहुँचा देती है। जब हम दवाई खाते हैं, आइदर इट्स टैबलेट और सिरप, वो पहले तो हमारे स्टमक में जाती है, वहाँ पे उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एसिड फ्लूइड्स इन आवर स्टमक। वहाँ से ये डिसॉल्व मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, देन इट क्रॉसेस इंटेस्टाइन वॉल्स एंड एंटर्स इनटू ब्लड वेसल्स, जहाँ से ये ब्लड वेन्स के मार्फत लीवर को जाता है। लीवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये ब्लड जिसमें मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए है, वो जब लीवर से पास होता है, तब लीवर के अंदर के एंजाइम्स ट्राइज टू न्यूट्रलाइज इट, क्योंकि लीवर के लिए मेडिसिन मॉलिक्यूल्स आर एक्सटर्नल बॉडी। स्टिल मोस्ट ऑफ द मेडिसिन मॉलिक्यूल्स पासेस थ्रू लीवर एज वेल, और फिर पूरे शरीर में ब्लड के साथ सर्कुलेट होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इंजर्ड एरिया में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाते हैं, एंड थ्रू दिस रिसेप्टर्स द मेडिसिन एंटर्स इन टू द सेल्स एट अफेक्टेड एरिया एंड स्टार्ट्स डूइंग इट्स जॉब। फॉर एग्जाम्पल, पेन मेडिकेशन लाइक आइबुप्रोफेन स्टार्ट्स रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड पेन एट अफेक्टेड एरिया। अब ये रिसेप्टर्स मतलब स्पेशल माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो पूरे शरीर में रहते हैं। इनका काम ही होता है कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट से सिग्नल डिटेक्ट करना और वो ब्रेन को ट्रांसफर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे कि जब कोई गर्म या ठंडी चीज को हम छूते हैं, तो उसका एहसास ब्रेन तक रिसेप्टर्स की वजह से ही पहुंचता है। सेम वैसे ही शरीर में जहां जहां पे इंजरी होती है, पेन होता है, वहां पे रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रेन को इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हैं। हर एक दवाई बनाते वक्त एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को टारगेट करने के लिए डिजाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पेन मेडिकेशन लाइक आइबुप्रोफेन दे सर्च आउट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जनरेटेड बाय पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो अब ये सब काम एक सिंगल टैबलेट एक बार में ही कर देती है, तो डॉक्टर दिन में दो बार या फिर तीन बार ऐसे ही लगातार 4-5 दिन टैबलेट्स खाने के लिए क्यों बोलते हैं? तो होता ये है कि हमारे शरीर में ब्लड हमेशा सर्कुलेट होता रहता है। हर मिनट में 1 लीटर ब्लड लीवर से पास होता है। जैसे कि हमने देखा, लीवर से जब मेडिसिन मिक्स्ड ब्लड पास होता है,
तो वो उसके मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे ही हर मिनट थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और अफेक्टेड एरिया में दवाई का असर कम हो जाता है, इसीलिए कुछ घंटों बाद न्यू टैबलेट खानी पड़ती है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि कैसे मेडिसिन शरीर में एंटर करके अफेक्टेड एरिया में पहुंच जाता है। तो अब हम गेस कर सकते हैं कि वाई सलाइन और इंजेक्शन वर्क्स फास्टर देन टैबलेट्स, क्योंकि इंजेक्शन से दवाई डायरेक्टली ब्लड फ्लो में इंजेक्ट की जाती है। वही दूसरी ओर जब आप टैबलेट खाते हो तो इट टेक्स 20-30 मिनट्स फॉर दैट टैबलेट कंटेंट टू एंटर इन द ब्लड फ्लो। अब अगर दवाई इतना एक्यूरेट काम करती है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं? जैसे कि हमें पता है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिजाइंड टू बाइंड विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स एंड रिलेटिवली सिमिलर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी। तो अगर मेडिसिन का डोज कम या ज्यादा हो जाता है तो ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड्स विद अदर सिमिलर रिसेप्टर्स एंड दैट कॉजेस इरिटेशन और पेन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कुछ हद तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोज। बाय बाय।